अमर जवान, महज कलम से उकेरे अक्षर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान के हस्ताक्षर हैं। मौन क्षणों के बाद अपने विचारों को दर्ज करते प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। अमर जवान अमर हैं यादों में, पुष्पांजलि कृतज्ञता है राष्ट्र की कि उनका बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा राष्ट्र के सपूतों को। आज हम सुरक्षित हैं, आजाद हैं, अपने वीर जवानों के अदम्य साहस और वीरता के कारनामों से। अब से कुछ ही देर में राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह शुरू होगा और प्रधानमंत्री इंडिया गेट से प्रस्थान कर रहे हैं। सलामी मंच से महामहिम राष्ट्रपति भव्य परेड की सलामी लेंगी। सन 1950 में पहले गणतंत्र दिवस पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने परेड की सलामी ली थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधीयन, नेशनल लीडर, डेमोक्रेटिक इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एजुकेशनिस्ट, राइटर, विजनरी। डॉक्टर जाकिर हुसैन, नेशनलिस्ट, एजुकेशनिस्ट।
श्री वीवी गिरी लेबर लीडर द कंट्रीज फोर्थ प्रेसिडेंट श्री फखरुद्दीन अली अहमद फ्रीडम फाइटर स्कॉलर श्री नीलम संजीव रेड्डी इंडिया सिक्स्थ प्रेसिडेंट फ्रीडम फाइटर ज्ञानी जेल सिंह फ्रीडम फाइटर नेशनल लीडर श्री आर वेंकट रमन एजुकेशनिस्ट एंड स्कॉलर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फ्रीडम फाइटर स्कॉलर श्री के आर नारायणन डिप्लोमैट एंड एजुकेशनिस्ट डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम विजनरी साइंटिस्ट स्कॉलर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इंडियाज फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट हु टुक ओवर ऑन द 25th ऑफ जुलाई 2007 हर साल 26 जनवरी एक ऐसा दिन है जब हर भारतीय के मन में देशभक्ति की लहर और मातृभूमि के लिए अपार स्नेह भर उठता है। ऐसी कई यादें हैं जो इस दिन के साथ जुड़ी हुई हैं। सन 1930 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में अंकित करने की शपथ ली गई थी। इसी दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में